नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंच पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एसीपी पैनल्स के बारे में। उसमें भी साधारण जो सिंपल एसीपी पैनल्स होते हैं उसकी बात नहीं करेंगे, इसमें एक नया प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक एसीपी पैनल का एक नया वर्जन है, वो है रस्टिक सेट्स। उस सेट्स में आपको वीडियो में बात करते करते आपको ऐसे स्क्रीन पे दिखाता रहूंगा, उसके अलावा एक छोटा सा वीडियो बना के ऊपर पे बीरोल में भी डाल दूंगा, तो आपको उसमें देखने में काफी मजा आएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है एसीपी पैनल, तो आपने काफी बार देखा होगा कि बहुत सारे बिल्डिंग्स में आजकल एलिवेशन में काम में लिया जाता है। बाहर जो बिल्डिंग को सुंदर सी, कभी आपको अलग सी यूनिफॉर्म से सेट में सिल्वर कलर में, मरून कलर में, ब्लैक कलर में, कहीं पे भी कोई दुकान भी बहुत सुंदर सी दिख रही है या कोई बिल्डिंग बहुत खूबसूरत सी दिख रही है, तो उसमें काफी बार आप नोट करिएगा कि आपने उसमें एसीपी पैनल्स लगे हुए होते हैं। वो जो एसीपी पैनल्स है वो तो एक साधारण सिंपल मान लीजिए जो रेगुलर शेड है वो है, और कुछ जो इस तरीके के जो रस्टिक शेड है ये एक बड़ा ही अच्छा अट्रैक्शन है एसीपी पैनल्स में। तो एसीपी पैनल्स में देखिए, प्लेन एसीपी पैनल और एक रस्टिक सेट का एसीपी पैनल होने का फर्क क्या है कि जैसे सपोज मान लीजिए आप किसी शादी में गए और वहां पे आप जैसे सपोज मान लीजिए सिंपल सी पैंट शर्ट पहन के चले गए और एक कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो डिजाइनर सेट के मतलब डिजाइनर कपड़े पहन के आता है, तो जैसे पूरी शादी में अलग से चमकता है, वैसी स्थिति अगर आप ये जो रस्टिक सेट्स है रेनोआर करके कंपनी का, ये अगर आप अपनी बिल्डिंग में लगाते हैं तो आपकी जो बिल्डिंग है वो अलग से दिखेगी, मतलब स्टैंड आउट करेगी। आप समझ लीजिए जैसे जो रेगुलर सेट्स लगे हुए हैं बाकी बिल्डिंग्स में, और आपने अगर इस तरीके के रस्टिक सेट लगाया अपनी बिल्डिंग में, तो वो आपकी बिल्डिंग बिल्कुल अलग से चमकेगी, स्टैंड आउट करेगी और बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी लगेगी। आजकल जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, एलिवेशन डिजाइनर्स हैं और जो ये एसीपी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो इस प्रोडक्ट को काफी पसंद करते हैं। अब एसीपी पैनल क्या है ये तो आपको पता ही होगा, एसीपी पैनल मतलब एल्युमिनियम कॉम्पोजिट पैनल्स। एसीपी पैनल में ऊपर और नीचे एल्युमिनियम की सीट होती है और बीच में कोर मटेरियल होता है जो उसको स्टिफनेस और मजबूती देता है और काफी और भी एडिशनल प्रॉपर्टीज ऐड करता है एक एसीपी पैनल में। बिल्डिंग के एलिवेशन के अलावा एसीपी पैनल्स को और भी काफी जगह पे काम में लिया जाता है, जैसे मान लीजिए किचन के शटर्स होते हैं वहां लगता है, फॉल सीलिंग में लगता है, बाथरूम की या कोई भी जो वेट एरिया की जो फॉल सीलिंग होती है वहां पे एसीपी पैनल लगता है, अलमारियों के जो पल्ले होते हैं वहां पे एसीपी पैनल लगता है, और सरप्राइजिंगली जो ड्राई वॉल पार्टीशंस होते हैं उसपे भी ये एसीपी पैनल लगते हैं। तो जब ड्राई वॉल पार्टीशन में लग सकता है तो वॉल एलिवेशन में, वॉल पैनलिंग में भी ये प्रोडक्ट आराम से काम में लिया जा सकता है, और अगर आपके पास इतने सुंदर सुंदर शेड हो तो ये आप आराम से वॉल पैनलिंग में भी काम में ले सकते हैं, जहां तक मेरा ओपिनियन है। अब बात करते हैं कि एसीपी पैनल का एडवांटेज क्या है, किसी भी बिल्डिंग के एलिवेशन में एसीपी पैनल क्यों लगाना चाहिए। किसी भी बिल्डिंग के एलिवेशन में आप पेंट करवा सकते हैं, टेक्सचर पेंट करा सकते हैं, टाइल्स लगा सकते हैं, स्टोन का एलिवेशन दे सकते हैं, या कोई सीमेंट बेस्ड या एक्सटीरियर ग्रेड के पेंट भी करा सकते हैं, लेकिन एसीपी पैनल क्यों लगाना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एसीपी पैनल का एडवांटेज क्या है, ऐसा क्या है कि ये प्रोडक्ट इतना पॉपुलर और इतना वाइडली यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रोडक्ट काफी ड्यूरेबल होता है। जैसे ये जो कंपनी के जो सैंपल सेट कार्ड्स है इसमें इन्होंने फ्रंट में ही 12 साल की वारंटी दी है, जो कि ये जो रस्टिक सेट्स में 12 साल की वारंटी दे रहे हैं, इसका मतलब 12 साल से तो ये ज्यादा ही चलेगा। दूसरा एडवांटेज इस प्रोडक्ट का ये कि सेफ प्रोडक्ट है, FR प्रॉपर्टीज होती है, FR मतलब फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टीज होती है कि खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको फैलने में ये प्रोडक्ट मदद नहीं करता, तो एक सुरक्षित प्रोडक्ट है। जब आप एलिवेशन में पेंट करा रहे हैं, टेक्सचर करा रहे हैं, या टाइल्स लगवा रहे हैं, या कोई स्टोन लगा रहे हैं, या और कोई चीज लगा रहे हैं उसको बिल्डिंग को सुंदर दिखाने में, तो एसीपी पैनल जो है ये एक काफी रीजनेबल प्रोडक्ट है। 12 साल तक तो ये प्रोडक्ट आराम से चलेगा, तो जो भी इसकी कॉस्ट लगे आप 12 साल से कम आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पेंट अगर आप कराते हैं तो पेंट आपको कम से कम 5-5 साल में दोबारा कराना पड़ेगा, और स्टोन या टाइल या इस तरीके की चीज लगाते हैं तो उसके निकल निकल के नीचे गिरने की रिस्क रहती है। इसके बड़े बड़े पैनल होते हैं, नीचे स्ट्रक्चर बन के उसके ऊपर रिवेटिंग होती है इस प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट एक सुरक्षित प्रोडक्ट तो है ही है और ये रीजनेबली प्राइस भी है और काफी सालों तक चलता है। अगला पॉइंट लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वजन में हल्का होता है, तो ये क्या है, बिल्डिंग की एक पूरी बिल्डिंग बनी और उसमें एलिवेशन में काफी सारा सामान लगता है उसको सुंदर बनाने के लिए, तो वो बिल्डिंग का जो डेड लोड है वो बढ़ाता नहीं है,
तो ये बिल्डिंग काफी ज्यादा सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि बिल्डिंग को अपना खुद का वजन मतलब जो हैंडल करना होता है, मान लो खुदा ना खास्ता कोई अर्थक्वेक आ जाए, तो ये बिल्डिंग के डेड लोड को भी कंट्रोल में रखता है, कम रखता है। एक और एडवांटेज पॉइंट है इसका, वो है इजी टू इंस्टॉल। इसको लगाना काफी आसान है, मतलब ऐसा नहीं कोई भी लगा लेगा, मतलब जो थोड़ा ट्रेंड आदमी होता है वो आसानी से लगा लेगा, मतलब जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट आपकी बिल्डिंग सुंदर दिखने लग जाएगी। और खुदा ना खास्ता किसी कारण से कभी आपने कोई लाइट की कटिंग करी है, या कुछ अंदर से कोई वायरिंग वगैरह जा रही है, इस तरह की कोई चैलेंज है, या कहीं से कुछ खुल गया, कुछ दिक्कत आ गई, तो इसको हटाना, लगाना और मेंटेन करना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, दोबारा से ठीक करना काफी आसान है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक ही पॉइंट में दो पॉइंट ऐड हो गए, इजी टू इंस्टॉल हो गया और इजी टू मेंटेन हो गया। ये जो प्रोडक्ट है नॉर्मली बाहर खुले में लगता है, और भारतवर्ष का जो एनवायरमेंट है वो काफी हार्श है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे भी ये प्रोटेक्टेड रहता है, बरसात ये वो जितनी भी चीजें जो भी हार्स क्या बोलते हैं इसके ऊपर अत्याचार होने वाला उसको सहन करने की इसमें पूरी कैपेसिटी होती है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब जो सबसे बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से ये मेरे को लगता है कि पॉपुलर हुआ है, कि ये काफी मतलब क्या बोलते हैं एडेप्टेबल प्रोडक्ट है। इसको गोल पिलर को कवर करना हो तो भी बना सकते हैं, कोई आपने डिजाइनर पिलर क्रिएट किया है आपकी बिल्डिंग के सामने सुंदर दिखाने के लिए उसको भी कवर कर सकते हैं, इसको काट छांट करके मल्टीपल कलर्स यूज करके अलग अलग डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे इसको मोड़ सकते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री में अगर आप इसको मोड़ना चाहें तो 90 डिग्री में भी इसको मोड़ सकते हैं। हर तरीके से ये प्रोडक्ट आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो डिजाइन है उसको फुलफिल करने के लिए तत्पर रहता है, ऐसे कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि ये हर तरीके से इसको आप मोल्ड या बैंड या कैसे भी करके आप इसको यूज कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये था छोटा सा वीडियो रेनोआर कंपनी का, जो रस्टिक सीरीज आई है नई, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो अगर आपको आप अपनी बिल्डिंग को नया लुक देने वाले हैं, या आपकी बिल्डिंग में एसीपी पैनल लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप रेनोआर की जो रस्टिक सीरीज है वो जरूर देखिएगा। इनसे कांटेक्ट करने की जो डिटेल्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, जो भी इनके डिटेल्स है वो सारे दे दूंगा, तो आप उनसे डायरेक्टली बात करके इनसे सैंपल्स मंगा करके, और एक एडिशनल आपके पास ऑप्शन है, और आपकी बिल्डिंग मतलब एक रेगुलर आप एसीपी पैनल लगाएंगे उसकी जगह पे आप रस्टिक शेड का एलिवेशन लगाते हैं या थोड़ा बहुत रस्टिक शेड ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी बिल्डिंग स्टैंड आउट करेगी, तो आप इनसे जरूर संपर्क करिएगा। बाकी सारी चीजें सब ठीक है, आप एसीपी पैनल लगा लीजिए, पेंट करा लीजिए, टाइल लगा लीजिए, कुछ भी करिए, वो बाकी मतलब डेफिनेटली बिल्डिंग अलग दिखेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस मकान में आपको जिंदगी भर रहना है उसको फिट रखिए, पैदल चलिए, साइकिल चलाइए, एक्सरसाइज कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, जितनी फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं उतनी करिए, ढंग का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, और दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त, जय हिंद।